हेलो एवरीवन, मायसेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं, डेफिनेटली मोटिवेट करने वाली हैं, और आप काफ़ी सारी चीज़ें इन कहानियों से सीखने वाले हैं, और आज की कहानी आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर जिंदगी में कुछ पाने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। सफलता के लिए सिर्फ जरूरी है जोश व लगन। व्यक्ति अपनी मेहनत और जोश के दम पर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर एक या दो बार असफल होने के बाद नर्वस हो जाते हैं। वह अपना संतुलन खो बैठते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि अगर वे सफल ना हुए तो ज़िंदगी में क्या कर सकेंगे। उन्हें आगे का रास्ता नहीं सूझता है। आज हम आपको 2017 बैच की IAS सौम्या शर्मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। सौम्या मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। 16 वर्ष की उम्र में सौम्या ने सुनने की क्षमता खो दी थी। वे सुनने के लिए कान की मशीन पर निर्भर हैं। सौम्या शर्मा ने महज 23 साल की उम्र में UPSC एग्जाम क्रैक कर लिया था। सौम्या ने 2017 में दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB पूरी की। 2017 में ही उन्होंने UPSC सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। उसी साल उन्होंने UPSC प्रीलिम्स और UPSC मेंस परीक्षा दी। सुनने की क्षमता ना होने के कारण सौम्या को विकलांग श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने इसे खारिज करते हुए सामान्य श्रेणी से एग्जाम देने का फैसला किया। उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। सौम्या जब UPSC की परीक्षा दे रही थी तो उस समय उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उन्हें 102 डिग्री बुखार था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी सौम्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसी हालात में UPSC का एग्ज़ाम दिया। सौम्या की तबीयत उस समय इतनी ख़राब थी कि उन्हें दिन में 3 बार स्लाइन ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। परीक्षा के दिन भी ब्रेक के दौरान सौम्या को ड्रिप चढ़ाई गई थी, लेकिन सौम्या का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने अपने हौसलों से लाचारी को मात दे दी। सौम्या ने साल 2017 में दी गई UPSC परीक्षा को पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया। उन्हें देश भर में 9वीं रैंक मिली। परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सौम्या के माता पिता सेंटर पर मौजूद रहते थे। सौम्या के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं, ऐसे में परीक्षा के वक्त उनका खास ध्यान रख रहे थे। सौम्या के अनुसार, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यही नहीं, उनका मानना यह भी है कि आप जब भी तैयारी करें तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि मेंस को दिमाग में रखकर तैयारी करें। सौम्या बताती हैं कि स्कूल के दिनों में मेरा बेस काफ़ी स्ट्रांग था क्योंकि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। अगर किसी की बेस कमज़ोर है तो उसे कोचिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि तैयारी के लिए आप क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। सौम्या कहती हैं कि प्रिपरेशन के दौरान आप कई बार डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। आपका माइंड आपको क्विट करने के लिए मजबूर करेगा, आपको थका देगा, आपको डिप्रेस्ड फील कराएगा, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना आप ही के कंट्रोल में है। सौम्या कहती हैं कि मुझे याद है GS2 की परीक्षा के दौरान बीच बीच में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और एनर्जी के लिए चॉकलेट खाती और फिर से आंसर लिखने में जुट जाती।
आई होप कि कहानी आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी, आपने इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इस कहानी के द्वारा आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी और ये इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं ऊपर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे सारे वीडियोस, ऐसी सारी कहानियाँ, ऐसे सारे इंस्पिरेशनल टॉपिक्स आते रहेंगे, और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देख सकें और काफ़ी कुछ सीख सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।